सो द टाइम अपडेट इज 6:37 PM विद 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट इज़ 18 मई 2019 शनिवार। आज आन्या का बेसिकली काउंसलिंग भी मैं कर रहा था और उनको थोड़ा मोटिवेट कर रहा था। अभी वो इनफैक्ट इधर आई भी थी अपने साइकिल से हमारे बाइक को चेक करना। सो अभी क्या हुआ था, आज हर जगह मैं लेट लेट ही हो रहा हूँ, लेकिन मैंने हर जगह इन्फॉर्म कर दिया। तो आई डिड इन्फॉर्म दैट आई विल बी कमिंग लेट। लेट मतलब मैंने क्लास का टाइमिंग जो है आई हैव केप्ट इट टू आपका 6:45। तो अभी आई हैव टाइम, आई कैन रीच। तो अभी क्या हुआ था, जब मैं बेन के घर से निकला था ना, तो GoPro हैंग हो गया था। ये भी एक अजीब सा ही इश्यू है कि मतलब इट कीप्स ऑन, कभी कभी हैंग हो जाता है, मतलब स्टार्ट ही नहीं होता। ये अभी तक चालू नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अरे दादा, हाँ अच्छा, आज वो डाला है, कल परसों तक हो जाएगा। अच्छा ठीक। ये भाई इतना 15-20-25 दिन से ज़्यादा हो गया, तब हद ही हो गई। कम ऑन लाइक व्हाट इज दिस, बट इट्स ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस सोसाइटी राइट। ये देखो, ये रही आन्या। यू वॉन्ट टू रेस विथ मी? चलो, सो नाउ यू आर एट 15 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ यू आर एट 20 किलोमीटर पर आवर। चलो बाय बाय। सो शी वॉज आन्या। तो अभी तक रोड नहीं बन पाया, ऐसा सेट के आन्या उधर रहेगी। तो हाँ, तो GoPro बेसिकली जब मैं बेन के घर से आन्या के घर तक आ रहा था, सो आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग, बट वो थोड़ा कभी कभी GoPro में ये चीज़ हो जाता है, तो जब उस तरीके से हैंग होता है, मतलब ऑन नहीं होने लगता है, तो फिर मैं इधर आके वापस इसको चार्ज में लगाया। सो व्हेन आई डिड पुट दैट इन द चार्ज मोड, मैंने शाइन जी को दिया अपना चार्जर वगैरह निकाल के, मतलब केबल निकाल के, नॉट द चार्जर। उन्होंने डैश चार्जर यूज किया था अपने सैमसंग का। देन वो जो है फिर अभी वापस चलना शुरू हुआ। तो दिस इज़ वन ऑफ द सैड थिंग्स विच कभी कभी, एक ये इशू है कि कभी हैंग होता है, दूसरा इशू है कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी वक्त के बाद चालू हो रहा है, तीसरा इशू है कि जब डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करता है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, हीटिंग इज़ वन ऑफ द इशू। सो आई थिंक GoPro शुड इम्प्रूव, इफ GoPro इज़ वॉचिंग दिस, एंड आई होप कि एक ना एक दिन तो होगा ही कुछ अगर। लेट्स टेक अ स्ट्रेच। सूर्य देवता की जय। Well, that was a small stretch. So when I say stretch, जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़े दूर तक बिना मतलब बात किए सफ़र करना, और जब जैसे जैसे थोड़ी ट्रैफिक हो जाती है तो ऑब्वियसली। सो आज यमुना जी का क्लास जानवी ने लिया, आई थिंक आज मीनाक्षी आएगी, तो मीनाक्षी का क्लास होगा 6:45 से।
अभी तक जी का मैसेज आया था, उनको लगा ही हैड अ मीटिंग एट लाइक बाय 7 PM इन अंधेरी, अंधेरी में उनका मीटिंग था। तो ही सेड कि सर मुझे लगा कि 5 बजे क्लास होगा, बट नो वरीज। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि दोनों जो बच्चे हैं, एक बेन और ये जो अन्या है, दोनों का घर आसपास में ही है, मतलब विद इन 1 किलोमीटर। तो आई बेटर थॉट कि जब दोनों का एक दिन ऐसा कॉल आया तो एक ही वक्त में निकल है, ऐसे क्या मुझे दोनों के लिए सेपरेटली 2 दिन प्लान्ड। ऐसा ही है कि सैटरडे या संडे हो एक के बाद एक ही करने का, लेकिन काफ़ी दिन से ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा इट्स ओके। एंड फॉर मी बेन एंड आनिया दे बोथ आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी दे आर लर्निंग एंड दे आर ग्रोइंग। सो जानवी, बेन, आनिया, ये जो कुछ लोग हैं, कुछ लर्नर हैं। अभी आई थिंक अभिदत जी हो गए, सीमा जी हो गई, सो दे आर लिटरली डूइंग ग्रेट एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग द वे दे आर डूइंग। आई ऑलवेज प्रे टू ऑलमाइटी के इन लोगों को जो है ईश्वर जो है वरदान दें और ये लोग काफ़ी अच्छा करें संगीत में, मतलब दे डू समथिंग, यू नो, समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आई ऑलवेज प्रे टू सरस्वती माँ। और मेरे मतलब मुझे जितना भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी म्यूज़िक का संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो मैं चाहूँगा कि ये सारे लोग भी अचीव कर ले। एंड आई एम गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विथ माय हार्ले, बस एक चीज़ अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि मैं कल गया था GoPro के अडेप्टर का वाला केस के लिए बात करने, लेकिन ये वो GoPro नहीं बनाता, ये देखो छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं मस्त, लेकिन वो GoPro ऑफिशियली नहीं बनाता है कि हेलमेट माउंट, जो बेसिकली जैसे हेलमेट माउंट होता है उसमें होल्डर नहीं बनाता है GoPro ऑफिशियली, तो दैट इज़ वन थिंग। तो मुझे किसी थर्ड पार्टी से लेना होगा, सो व्हेन आई से थर्ड पार्टी दैट मीन्स इट वॉन्ट बी ऑफिशियली बाय GoPro, तो केसेस वगैरह कहीं इधर उधर से मुझे लाना होगा। एंड आई थिंक आई विल बी गेटिंग अ बैड ट्रैफिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी, होपफुली गॉड ब्लेस मी थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा आज कम हो। तो ये बुलेट में जो है इन्होंने मुझे भी ऐसा पायनियर लगाना है दोनों तरफ, लेकिन फिर ऐसा हो जाएगा कि मुझे, मैं जितना फ्रीली अभी चल पा रहा हूँ ना उतना फ्रीली नहीं चल पाऊँगा, फिर जो है मेरे लिए फाउंडेशंस बन जाएंगे। मैं बेंगलोर वगैरह जाऊँगा तो लगा लूँगा, ऑब्वियसली मुझे ख़रीदना है पायनियर टेल बैग, यू नो, टैंक बैग एंड स्टफ़ लाइक दिस। तो एक वक्त था मैं भी इसी तरीके से बस स्टैंड पर खड़ा रहता था एंड यू नो आई यूज़ टू वेट फॉर माई बसेस। काफ़ी कुछ मुंबई शहर ने दिया है गाइस, एंड आई जस्ट लव ईच एंड एवरी, आई जस्ट लव मुंबई। ये देखो कितने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो का, और क्या स्पीड है यार, बाजू में मेट्रो बनी जाएगा, ये क्या हो रहा है, आई थिंक ये मेट्रो स्टेशन बन रहा होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स वाई ये लोग इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहे हैं। आई एम इन लव विथ हार्ले, आई एम इन लव विथ हार्ले, जस्ट इन लव विथ हार्ले, सुप्रीमली अमेजिंग, सुप्रीमली अमेजिंग। प्लानिंग टू गेट एक बेसिक वाला BMW बाइक 310 GS, लेट्स सी, ये हमने सोचा है अभी ईश्वर क्या चाहते हैं और कैसे क्या चीज़ें होंगी। एंड यस, ट्रैफिक तो काफ़ी हो गई है, बट इट्स ओके, चलता है, यू नो। अभी कर भी क्या सकते हैं आप जब ट्रैफिक हो जाए तो। God, I can see some teddies. जब घर शिफ्ट करेंगे ना, बड़े घर में जब स्विच करेंगे
तब आई थिंक मैं श्रेष्ठा को कुछ खरीद के ऐसा बड़ा बड़ा देता हूँ, श्रेष्ठा विल बी सो हैप्पी, यू नो, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या नाम है उसका, मिनियंस, शी लाइक मिनियंस अलॉट। उसने एक एक मिनियंस है, पता नहीं मैंने आपको बताया है नहीं, उसका नाम हग्गू है। हालांकि जितने लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि हग्गू है एक ओ ओ ओ ओ सनी सरी गरे सनी सरी रे सनी सरी गरे सनी सरी। I thought better to take break rather than, you know, being for adventure. क्योंकि हार्ले पे अभी मेरा हाथ बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है, लेकिन I have to master it, और भी master करना। I think हमारा गाड़ी 1000 किलोमीटर पार हो गया होगा, let's see, yes, 1016 किलोमीटर, oh, cheers, 1000 किलोमीटर we have crossed it, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और काफ़ी डस्ट है यहाँ पर, हमें जो है ना गोप्रो के जो है उस एडप्टर और माइकिंग का सेटअप का ज़रूरत होगा, पता नहीं कितने दिन तक पड़ा रहेगा, अभी भी वो मेरे बैग में अच्छे तरीके से पड़ा हुआ है, बट नो वरीज। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। व्हाट मैसिव सक्सेस दिस सॉन्ग गॉट, राइट, अपना टाइम आएगा, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बाय द सॉन्ग। सी, जैसे मैं अभी मानता हूँ कि ये रीच होना जो है, जैसे कोई भी लोग अगर आर्टिस्ट बनते हैं तो मैं अभी यही बोलूँगा कि आर्टिस्ट लोग कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज वाला चीज़ जो है, आई बिलीव कि ईश्वर ने हमें थोड़ा सा अवतारित बना दिया है, अभी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है म्यूज़िक में, बट व्हाट आफ्टर नॉलेज, आफ्टर नॉलेज जो चीज़ होता है वो होता है सिर्फ ब्लेसिंग, यू नो। आई थिंक आज मैं नीचे ही ले जाता हूँ, नीचे ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, चलो नीचे ही ले जा के देखता हूँ। या लेट्स टेक इट, आज नहीं, आज तो नीचे, हाँ होपफुली जल्दी निकलेंगे। ओ माय गॉड, आई कैन सी सम ऑफ द बिग बिग खड्डे एंड काफ़ी हीट हो रहा है हार्ले, काफ़ी ज़्यादा, यू नो, बिकॉज हाँ मैंने अच्छा ही किया एक्चुअली। अब मुझे ना इस जगह पे, मैं जब भी आऊँगा ना, मैं इस पर नीचे ही लिया करूँगा। ओ ओ ओ, ओ। नीचे ही लेना बेटर होगा, क्योंकि मैं अभी ऊपर रहता तो अटका रहता, हालांकि अटकना तो फिर है क्योंकि शाम की वक्त हो गई। आई थिंक ये बहुत ही पहली बार ऐसा रेयर टाइम में मैं आन्या के घर से निकला हूँ। होपफुली गॉड अभी ट्रैफिक ना हो, आई कैन प्रे दैट, एंड लेट्स सी। 6:45 का मैंने टाइम दिया है, मैं कितने टाइम पे पहुंचता हूँ। ओ माय गॉड, कितने टाइम पे, इट्स ऑलरेडी 6:51, क्रेजी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस क्लियर रोड।
देखा, वाओ, I just love this road. आने के बाद बेसिकली ऐसा लगता है कि घर आ गए, हालांकि मुंबई ही मेरा घर है। देखा जाए तो वसुदेव कुटुंब, दैट मीन्स दिस होल यूनिवर्स इज योर्स, बट मुंबई की बात ही अलग है। सो दिस प्लेस गेव मी व्हाट टू से, दिस प्लेस गेव मी लाइफ, दिस प्लेस गेव मी एवरीथिंग। थोड़ा देर गाड़ी को आराम कराता हूँ, 74 सेकंड का भी है हमारा। कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनको हमारा नाम कैसे पता चला कि मेरा नाम बाबू है? हाँ, ये थोड़ा इत्तफाक हो गया। बाय द वे गाइस, अभी उधर मैं फ़ोन का ऐड देख रहा हूँ तो मुझे बस ये लग रहा है यार, कितने फ़ोन आते हैं यार। अभी पॉपअप कैमरा ओप्पो ने निकाला तो अभी कितने लोग अब पॉपअप कैमरा बना रहे हैं, ये वो। माय गॉड, दिस वर्ल्ड हैज लाइक यू नो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्रेजी। एंड दिस ओबराय मॉल, इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, इसकी कैश। और आई एम ग्लैड कि हमारे हार्ले को जो है थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल गया कुछ देर तक। हमारा हार्ले जो है बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया होगा, है ना मेरा बेटा, है ना मेरा दोस्त। चलो, सिग्नल भी ग्रीन हो गई। ओह, अरे कौवा मेरे सामने क्यों बैठ रहा है? कौवा मुझे ऐसा लगता है कि हार्ले का ये हॉर्न को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हाँ वो नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, वो भी है। नॉइस पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इट्स डिसेंट समटाइम्स। कभी क्या होता है, ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में अगर आप ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं ना तो थोड़ा ऐसा तकलीफदायक होता है, बट या देन अगेन इट्स ओके। अभी हार्ले ने ऐसा कुछ बनाया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही बनाया होगा, राइट? जोमैटो वाले, अरे कौवे यार, कौवा कैसे उड़ रहा है? अभी तो सिग्नल पे तो बस मेरे बाजू में नहीं, मेरे सामने एकदम आराम से बैठा हुआ था। अभी जितने लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं उनको मालूम है, अभी मैं जब भी कौवा देखता हूँ ना तो मुझे उसका एक कौवा मतलब याद आता है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। जितने लोग, आई एम श्योर जितने लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हैं उनको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो देयर इज, चलो मैं स्पॉइलर दूँ क्या? ठीक है, स्पॉइलर दे ही देता हूँ यार, क्या जाता है, स्पॉइलर नहीं है। बेसिकली इसमें एक कौवा रहता है जिसके कि तीन आँखें होते हैं। कौवा का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसमें वेयर क्रोज हैव थर्ड आई ऑन द हेड। तो अब मुझे कौवे को देख के थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन देखने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाय द वे, गेम ऑफ थ्रोन से याद आया कि आज मैं गेम ऑफ थ्रोन नहीं देख पाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यही गाना वगैरह अपना, आज पोस्टर रिलीज डेट था तो वो सब किया, फिर SFMA पे पोस्ट वगैरह किया। तो एनी हाउ, गेम ऑफ थ्रोन्स तो ऑब्वियसली मेरे रूटीन में है, लेकिन इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि यू नो मैं अपने काम को छोड़ के गेम ऑफ थ्रोन्स देखूँ।
तो लेकिन आज छूट गया, बट कोई नहीं। मैं मुझे लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो है इस बार, कल अंजू भैया बता रहे थे कि सिर्फ 6 एपिसोड का, मतलब सीज़न 8, तो मुझे लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगा जब तक वो एंड एपिसोड आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसके ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी दिन मुझे चलना होगा। होपफुली अगले मंथ तक मुझे ख़त्म करना है। अभी मैं सीज़न 4 के एपिसोड 5 में हूँ, मतलब 5, 6, 7, 30, 35। आई हैव टू वॉच 41 मोर एपिसोड्स, 41 मोर एपिसोड्स यानी 41 आवर्स। दैट इज द थिंग। लेट्स सी, ठीक है, से क्या होता है। आई फील समटाइम सैड बोलूँ या एंग्री बोलूँ, एंग्री तो मैं कौन होता हूँ यार किसी पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना यू नो हेलमेट के, आई एम नॉट कास्टिंग, मैं कास्ट के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। एक तो सरदार जी लोग होते हैं जो पगड़ी पहन के, लेकिन उनका चलो ठीक है, टर्बन फिर भी थोड़ा जो है सेफ्टी रखता है, बट फ्यू मुस्लिम्स वेयरिंग दैट जस्ट द कैप एंड यू नो सिर्फ कैप पहन के वो गाड़ी चलाते हैं, वो मुझे थोड़ा अनसेफ लगता है। तो हमारे जितने भी मुस्लिम भाइयों हैं, जितने भी मुस्लिम हमारे भाई लोग देख रहे हैं अगर ये ब्लॉग को, तो भाई लोग प्लीज़ हेलमेट पहनिए, सिर्फ आप वो टोपी पहन के प्लीज़ मत चलाइए गाड़ी, ज़िंदगी काफ़ी कीमती है कि नहीं, एंड हेलमेट इज़ अ गुड थिंग, इट सेव्स योर हेड यानी इट सेव्स योर लाइफ। राइट, यहाँ पर मैं कितने देर लेट हुआ, लेट मी चेक इट आउट, यहाँ पे मैं 15 मिनट लेट हुआ, बट नो वरी, चलता है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। वो हो, दिस वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी। ये आज का, ये शाम के वक्त आने के बाद ना, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो काफ़ी ज़्यादा ही सफ़र हो जाता है, 5, 6, 7 किलोमीटर। हालांकि इट्स नॉट एट ऑल फार। ये देखो ये बच्चे फिर बिना इसके थे हेलमेट के, तो क्या कर सकते, हेलमेट पहने बच्चे लोग, बच्चे एवं बड़े एवं हर लोग, हेलमेट इज लाइफ। So, what we say, I think we say it radiator if I'm not wrong. तो वो पंखा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि obviously आप समझ सकते हैं heat हुआ है काफ़ी। तो चलो, so here the episode ends, गोरेगांव to कांदिवली to गोरेगांव। समय हो रहा है 7:01 PM, 18 मई 2019, शनिवार, with 31 degree temperature, it's fair, चलिए let's go।